रचना त्यागी बनारस के गांव में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना कॉलेज पूरा, इसमें क्या क्या पढ़ाई होता है, क्या क्या इसमें फैसिलिटी है, मैं सारा आपको अच्छे से दिखाऊंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो आप लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये कॉलेज है और यहाँ पे अच्छा लगता है हम लोगों को डेली आना। तो आइए मैं आपको अपना कॉलेज सारा विजिट कराती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे कॉलेज का पूरी बिल्डिंग है। ये देखिए, ये पूरी बिल्डिंग है, और यहाँ एक ये बिल्डिंग, एक वो दिख रहा है वो है, और उस साइड भी है। और ये हमारे कॉलेज के सामने का ये तालाब है, जो हमारा कॉलेज है जो राजा तालाब में है, और राजा तालाब इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारे बनारस के जो राजा थे, माना जाता है कि उनका बनारस रामनगर है, रामनगर के उस साइड में किला है, और इस साइड में भी सैनिकों के लिए किला था, और ये पूरा तालाब था, तो इसीलिए इसको राजा का तालाब बोलते हैं। वो जो वाइट दिख रहा है, उधर भी कॉलेज है, उस साइड भी है, तो ये हमको कॉलेज अच्छा लगता है काफ़ी। ये विद्यापीठ से रिलेटिव है, और इसमें एक इग्नू भी चलता है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे कॉलेज का इग्नू वाला भी चलता है इसमें, और यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको कौन कौन सा कोर्स है। ये देखिए, सभी कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे इसका फीस भी लिखा हुआ है, ईयर भी लिखा हुआ है। ये पूरा यहाँ के क्लासेस में भी कैमरा लगा हुआ है, और क्लासेस अच्छी चलती है। ये देखिए, ये काफ़ी पुराना हो गया है, यहाँ पे क्लास नहीं चलता है, घर चलता है। ये देखिए दोस्तों, ये तालाब कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हमारा कैंपस, अब हम लोग उधर के साइड वाले में जा रहे हैं, और आपको दिखाते हैं उधर का कैंपस। काफ़ी बड़ा है ये हमारा कॉलेज, और ये सब देखिए, ये सब पुराने कैंपस में आएगा, सब राजा के ज़माने का सब कुछ बना हुआ है, अभी कुछ चीज़ नया भी बना हुआ है। पहले ये राजा का महल हुआ करता था उनके सैनिकों के लिए, और अब उसको कॉलेज बना दिया गया है। कई कोर्सेस यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे। ये लॉ कॉलेज भी है, इसमें लॉ भी चलता है। ये उधर साइकिल के लिए व्यवस्था रहता है। देखिए, आप देख सकते हैं बड़े बड़े पेड़ भी हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, ये लॉ के लिए है। ये देखिए दोस्तों, हम लोग का एग्जाम भी उधर होता है। ये फील्ड है, उधर कॉलेज है, वो उधर भी कॉलेज है, हम लोग ज्यादा जाएंगे नहीं। ये है पुस्तकालय, ये कंप्यूटर लैब है, यहाँ पे लोग खेल रहे हैं। तुम्हें बोलो, बहुत यहाँ पे बहुत से कोर्सेज चलते हैं, लॉ चलता है, बीए, एमए, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, सब सब्जेक्ट्स चलते हैं। अगर आप बनारस से हैं तो अगर आपको किसी कोर्स से ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट करना है या फिर लॉ में आना है, तो आप बेसिक यहाँ पे आके एडमिशन करा सकते हैं, और एडमिशन का प्रोसेस अभी चल रहा है, तो आप आके आराम से करा सकते हैं। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इस कॉलेज में। तो फिर उसके बाद जैसा होगा आप लोग बताइएगा कि आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा। एक छोटी सी जानकारी थी कॉलेज के प्रति, फिर जैसा होगा आप बताइएगा कमेंट करके, और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और जो भी इसमें त्रुटियाँ हैं या फिर जो भी कुछ कमियाँ रहे हमारे वीडियो में, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और जुड़े रहिएगा मेरे साथ कॉलेज में। कॉलेज में जो छोटे मोटे फंक्शन होते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। कल एक फंक्शन होने वाला है सुंदरकांड पे, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, और इसी तरह
कुछ भी होता रहेगा कॉलेज में तो मैं आपको दिखाती रहूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जुड़े रहिएगा मेरे साथ ऐसे ही। तब तक के लिए बाय बाय।